हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्दी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सर अभिषेक कुमार, आई एम योर ऑल द मेंटर। सो टुडे आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ द 11th एनसीईआरटी, दैट इज द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। व्हाई नीड टू सेल साइकिल एंड व्हाई नीड टू सेल डिवीजन, वी डिटेल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड्स। And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and the description of my channel. So please go through the description of my channel and click the social media icon and join with us. So I hope really appreciate it with me. So watch the video and keep support. So hello friends, start today's topic. So today's topic is meiosis. In this particular video, we detail discuss about meiosis. Meiosis क्या होती है? सारी की सारी चीजें in details और interesting manner में देखेंगे. So first we read for a 10 in NCERT textbook. After that, elaborate each and everything in simple and easy words. So let's begin without wasting any time. मियोसिस, मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन इसमें क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। इसको अर्धसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री सूत्री विभाजन। डिवीजन का मतलब होता है विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। तो देखते हैं एनसीईआरटी के टेस्ट में क्या लिखा गया है। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी ऑफस्प्रिंग जो बनेगा, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट, है ना। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का, गैमेट का क्या होता है? फ्यूजन होता है, है ना। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसमें क्या होगा? इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, यानी उसमें क्या होगा? टू गैमेट का फ्यूजन होगा, ठीक है। फ्यूजन का मतलब फ्यूज करेंगे, ठीक है। ईच विद ए कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, और दोनों में क्या होगा? प्रत्येक के पास क्या होगा? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, है ना। क्या होगा? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी एन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है। अब ये मियोसिस होती है तो किस में होगी? अब भाई अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली हमको चाहिए एन चाहिए, है ना। अल्टीमेटली हमको चाहिए एन, एक ऑर्गेनिज्म से एन चाहिए। मान लो टू एन है। अब ये डिप्लॉयड में जब जाएगा, इसकी मियोसिस हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? एन बनेगा। एक डिप्लॉयड इधर से आएगा और इसकी मियोसिस होगी, इससे एन बनेगा। अब ये अल्टीमेटली फ्यूज करके क्या बना लेंगे? टू एन बॉडी बना लेंगे, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। तो यानी जो मियोसिस होती है, रिडक्शन एंड डिवीजन होता है, वो रिडक्शन एंड डिवीजन कहाँ पे होता है? डिप्लॉयड में होता है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, आगे हम बताएंगे भी आपको, ठीक है। गैमीट क्या होते हैं? गैमीट आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल, है ना। जो गैमीट बनते हैं, इसमें जो गैमीट बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे? स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल से बनेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? मियोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसाइट, मियोसाइट बोलते हैं। यानी डिप्लॉयड सेल होती हैं, यानी कैसी सेल होती हैं? टू एन प्लॉयड होती है इसकी, ठीक है। आगे क्या है? दिस स्पेशलाइज काइंड ऑफ सेल डिवीजन डेट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल, है ना। एक स्पेशलाइज टाइप का सेल डिवीजन होता है, इसमें क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, यानी हाफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिड्यूस बाई हाफ रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल, यानी इससे जो डॉटर सेल बनेगी वो कैसे बनेगी? हैप्लॉइड डॉटर सेल बनेगी, है ना। हैप्लॉइड डॉटर सेल बनेगी, ये याद रखेंगे। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस, है ना। इस डिवीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? दिस टाइप ऑफ डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। इस डिवीजन को हम लोग मियोसिस बोलते हैं, यानी रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और इसको अर्धसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। मियोसिस इंसोर, मियोसिस इंसोर करती है, मियोसिस इंसोर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेस इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड फेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मियोसिस होती है उससे क्या होता है? हैप्लॉइड फेस, यानी मियोसिस ये इंश्योर करेगी कि लाइफ में हैप्लॉइड फेस आती है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बनाएंगे? टू एन बनाएंगे। तो ये फर्टिलाइजेशन इंश्योर क्या करता है?
फर्टिलाइजेशन रिस्टोर करता है डिप्लॉयड नेचर, क्या करता है डिप्लॉयड नेचर यानी टू एन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या रिस्टोर करेगा डिप्लॉयड डिप्लॉयड फेस को स्टोर करेगा, रिस्टोर करेगा, ठीक है। और जो मियोसिस होती है वो इंश्योर करती है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड फेस ऑफ ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में हैप्लॉयड फेस को इंश्योर करती है, क्या मियोसिस फर्टिलाइजेशन रिस्टोर करता है डिप्लॉयड फेस को, याद रखेंगे। वी कम अक्रॉस मियोसिस, हम मियोसिस के बारे में देखते हैं, वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट, है ना, यानी गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है जब गैमेट का फॉर्मेशन हो ना, गैमेट फॉर्मेशन में दोनों आ जाएंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस में, है ना। वी अक्रॉस द मियोसिस ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, है ना, दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉयड गैमेट, तो इससे क्या होता है मियोसिस से क्या होगा हैप्लॉयड गैमेट का फॉर्मेशन होगा, कैसा होगा हैप्लॉयड गैमेट का, यानी टू एन कोई है, अब इससे मियोसिस हो जाएगी, क्या हो जाएगी मियोसिस हो जाएगी, तो इससे क्या बनेगा एन बनेगा यानी हैप्लॉयड गैमेट बनेगा। अब हैप्लॉयड गैमेट एक ऑर्गेनिज्म से आएगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म से हैप्लॉयड गैमेट आके टू एन बॉडी बना लेंगे, डिप्लॉयड बना लेंगे, है ना। द की फीचर्स होता है मियोसिस का, उसके की फीचर्स बताए गए वो हम देख लेते हैं, ठीक है। मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल, मियोसिस में क्या होता है दो सिक्वेंशियल साइकिल होती है, यानी सिक्वेंस मतलब सिक्वेंस से आने वाली साइकिल, है ना। मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल, फर्स्ट क्या होती है न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, है ना, क्या होती है क्या होगी न्यूक्लियर और सेल डिवीजन, दो सिक्वेंस से आने वाली साइकिल क्या होती है न्यूक्लियर और सेल डिवीजन, है ना। और जो अब इसमें क्या है न्यूक्लियर के बारे में बताया गया है, तो इसका ये है मियोसिस फर्स्ट, और इसमें जो सेल डिवीजन के बारे में बताया गया है तो वो क्या है मियोसिस सेकंड। तो अब हमसे ये पूछेगा न्यूक्लियर का डिवीजन किस में होता है, मियोसिस फर्स्ट में होता है या मियोसिस सेकंड में होता है, तो हम बोलेंगे कि इसमें जो होता है न्यूक्लियर का डिवीजन होता है मियोसिस फर्स्ट में। न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है वो कहाँ पे होता है मियोसिस फर्स्ट में होता है, ठीक है। अब आगे हमको बताया गया है, यही बताया गया मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल, मियोसिस में तो सिक्वेंशियल साइकिल होती है न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड बोलते हैं, बट ओनली ए सिंगल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो कहाँ पे होगा ओनली सिंगल साइकिल में होगा, सिंगल साइकिल में कहाँ पे होगा तो हम बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। आगे क्या दिया गया हमको, मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द स्पेस, है ना। मियोसिस फर्स्ट जो होती है वो इनिशिएट हो जाती है, इनिशिएट का मतलब होता है शुरू होना, है ना, क्या होना शुरू होना, यानी जो मियोसिस फर्स्ट होगी वो इनिशिएट हो जाएगी आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम, जब पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लीकेट हो जाएगा, कहाँ पे रेप्लीकेट होगा टू प्रोड्यूस पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लीकेट हो जाएगा कहाँ पे यस फेस में, यस फेस में रेप्लीकेट हो जाएगा और प्रोड्यूस करेगा क्या आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद क्या है मियोसिस जो होगी मियोसिस फर्स्ट होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या है मियोसिस इन्वॉल्व, मियोसिस में क्या होता है मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम, मियोसिस में क्या होता है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्या करेगा पेयरिंग कराएगा और क्या कराएगा उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन कराएगा, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे में घुल मिल जाना, है ना, रिकॉम्बिनेट करना एक दूसरे को घुल मिल जाना उसी में रिकॉम्बिनेट करना, मियोसिस इन्वॉल्व द पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बाइन बिटवीन देम, ठीक है। अब उसमें क्या है लास्ट में क्या बताया गया हमको फोर हैप्लॉयड सेल, है ना, चार हैप्लॉयड सेल बनेंगी आफ्टर मियोसिस सेकंड, है ना, फोर हैप्लॉयड सेल आर फॉर्म एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड के बाद हमको कितनी चार हैप्लॉयड सेल देखने को मिलेंगी, चार हैप्लॉयड सेल हम देखेंगे मियोसिस सेकंड के बाद में, है ना। अब क्या है मियोटिक इवेंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेस, है ना, मियोटिक इवेंट को हमने मियोसिस को और क्या बोलते हैं मियोटिक बोलते हैं, मियोसिस को और क्या बोलते हैं मियोटिक बोलते हैं और क्या बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं और मियोसिस बोलते हैं, तीन नाम होते हैं ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको फेसेस में ग्रुप किया गया है मतलब कैटेगराइज कर दिया गया, मियोसिस फर्स्ट के फेस क्या होते हैं एक होता है प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट,
प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट, ये मियोसिस फर्स्ट के हो गए और मियोसिस सेकंड के इसी तरह हो गए। कौन कौन से? प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड, ये मियोसिस सेकंड के क्या हो गए? फेज हो गए। ठीक है, अब हम मियोसिस फर्स्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, क्या मियोसिस फर्स्ट के बारे में। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में फेज क्या था? प्रोफेज फर्स्ट, है ना, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट में क्या देखेंगे हम? सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट के बारे में देखेंगे, प्रोफेज फर्स्ट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। प्रोफेज इज द फर्स्ट, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज मियोटिक डिवीजन का यानी मियोसिस का प्रोफेज जो फर्स्ट होता है वो टिपिकली लॉन्गर होता है। क्या होता है? टिपिकली लॉन्गर होता है, लॉन्गर होता है और क्या होता है? मोर कॉम्प्लेक्स होता है व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस, है ना। यानी जो माइटोसिस का यानी जो इक्वेशनल डिवीजन का प्रोफेज था वो क्या होता है? कम होता है, मतलब कम लॉन्गर होता है। यानी जो मियोसिस होगा, मियोसिस का जो होगा प्रोफेज होगा वो क्या होगा? लॉन्गर होगा और मोर कॉम्प्लेक्स होगा देन प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। ये बात याद रखेंगे। इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग फाइव फेज, है ना। और जो मियोसिस का जो प्रोफेज होता है उसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड करते हैं कितनी फेज में? फाइव फेज में डिवाइड करते हैं, फाइव फेज में डिवाइड करते हैं मियोसिस के प्रोफेज को। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। प्रोफेज फर्स्ट के को हम पाँच फेज में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पे करते हैं? बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, है ना, कि क्रोमोसोम का बिहेवियर क्या है उसके बेसिस पे पांच फेज में डिवाइड कर देते हैं उसको, है ना, क्रोमोसोम के बिहेवियर पे। अब कौन कौन से फेज हो गए उसके? उसके फेज इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बना देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा अगर सेल साइकिल से तो मियोसिस से ही उठाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, है ना, बहुत कन्फ्यूजिंग है यहाँ पे इसलिए। ठीक है, इसके कौन कौन से फेज हो गए? फाइव फेज, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकेनेसिस, है ना। ये क्या है? प्रोफेज फर्स्ट के, मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के सब फेज हो गए, है ना, इसको पांच फेज में डिवाइड कर दिया गया है, है ना। कौन कौन से? लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन और डिप्लोटिन और डाइकेनेसिस। अब हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेप्टोटिन और पैकेटिन के बीच में कौन सा फेज आता है? तो हम बोलेंगे जाइगोटिन। ठीक है, और हमसे ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लेप्टोटिन और डाइकेनेसिस के बीच में कौन कौन से फेज आते हैं, लेप्टोटिन और डाइकेनेसिस के बीच में कौन कौन से फेज आते हैं? तो हम बोलेंगे जाइगोटिन, पैकेटिन और डिप्लोटिन। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और हमसे ये भी पूछ सकता है कि पैकेटिन और डाइकेनेसिस के बीच में कौन से फेज आते हैं? तो हम बोलेंगे डिप्लोटिन। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो हमको इसका सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस से ही क्वेश्चन बना सकता है। तो सीक्वेंस याद रखने के लिए क्या क्या याद करेंगे हम लोग? यही याद करेंगे लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकेनेसिस, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम ट्रिक भी बना सकते हैं, ट्रिक क्या बना सकते हैं? ला जरा पानी दे दे, है ना, दे दे, ला जरा पानी दे दे, है ना। ला का मतलब हुआ लेप्टोटिन, जरा का मतलब हुआ जाइगोटिन, पानी का मतलब हुआ पैकेटिन और डिप्लोटिन दे, है ना, और डाइकेनेसिस दे, है ना, डिप्लोटिन ऐसे याद कर लेंगे, ला जरा पानी दे दे, यानी लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकेनेसिस। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ? अब लेप्टोटिन के बारे में हम लोग देखते हैं, लेप्टोटिन क्या होता है ना, इसके नाम से पता चला, लेप्टो यानी लिप्टो। ठीक है, आगे बताते हैं इसमें इसका मतलब। ड्यूरिंग लेप्टोटिन स्टेज, है ना, लेप्टोटिन की स्टेज में क्या होता है? द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजुअल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें जो होते हैं क्रोमोसोम क्या होते हैं? ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, है ना। इसमें क्या होता है? लेप्टोटिन स्टेज में क्या होंगे? क्रोमोसोम जो होंगे धीरे धीरे क्या होंगे? विजुअल होने लगेंगे अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर धीरे धीरे वो विजुअल होने लगेंगे, है ना। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूअस थ्रू आउट लेप्टोटिन, और जो होगा कॉम्पैक्शन यानी एक दूसरे में लिपटना चालू हो जाएंगे। कॉम्पैक्शन का मतलब होता है सघन होना या लिपटना, क्या होगा? लिपटना या सघन होना, सघन होना। ठीक है,
यानी लिप्टोटिन, इसके नाम से पता चल रहा है कि जो क्रोमोसोम होंगे ग्रेजुअली धीरे धीरे लाइट माइक्रोस्कोप में दिखने लगेंगे और क्या होगा, कॉम्पैक्शन होने लगेगा और ये थ्रू आउट पूरे लेप्टोटिन में कॉम्पैक्शन चलेगा, पूरे लेप्टोटिन में ये कॉम्पैक्ट होंगे, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाई सेकेंड स्टेज ऑफ द प्रोफेज, इसके बाद क्या होता है सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज क्या होती है, प्रोफेज फर्स्ट की सेकेंड स्टेज क्या हुई, जैगोटिन है ना, इसके बाद क्या हुआ सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट की क्या हुई, जैगोटिन हुई। अब जैगोटिन में क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस, है ना। अब जैगोटिन में क्या हुआ, इस स्टेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम ने क्या की, पेयरिंग स्टार्ट कर दी एंड प्रोसेस, और इस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को क्या बोला, सिनेप्सिस बोला, है ना, प्रोसेस को एसोसिएशन को आप क्या बोला, सिनेप्सिस बोला। अब इसमें किस टाइप के क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, तो कैसे पेयर होते हैं, वो होमोलागस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, ये बात याद रखेंगे कि जो जाइगोटिन होता है उनमें क्रोमोसोम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं तो उनके एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं, ये याद रखेंगे। अब किस टाइप के इसमें क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करते हैं, तो होमोलागस क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब हमको इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जेड का मिरर इमेज बनाएंगे तो यस बनेगा। अब यस का मतलब हुआ सिनेप्सिस, यानी सिनेप्सिस कहाँ बनेगा, तो सिनेप्सिस बनेगा जाइगोटिन में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो सिनेप्सिस बनते हैं, सच पेयर क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलागस क्रोमोसोम, किन पेयर के बीच सिनेप्सिस होगा, कौन से एसोसिएशन होगा, तो उसको सिनेप्सिस बोलेंगे, होमोलागस क्रोमोसोम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ ग्राफ है ना, वो हमको क्या बताता है, ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज एक्यूपाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स, है ना। माइक्रोग्राफ हमको क्या बताता है कि जो डाइगोटिन स्पेज में होता है, क्रोमोसोम के जो सिनेप्सिस होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि यानी जेड की अगर मिरर इमेज करेंगे तो यस बनेगा, यस से क्या होगा, सिनेप्सिस बनेगा और सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिनेप्टोमियल और सिनेप्सिस कहाँ पे बनेगा, जाइगोटिन में बनेगा, ये बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से कन्फ्यूजन बहुत होते हैं, ठीक है। सिनेप्टोमियल और सिनेप्सिस कहाँ बनेगा, जाइगोटिन में बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाई ए पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलागस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाईवैलेंट और टेट्राड, जो कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्या बनता है, पेयर ऑफ सिनेप्सिस से, होमोलागस क्रोमोसोम के जो पेयर ऑफ सिनेप्सिस से बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाईवैलेंट बोलते हैं और क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि बाईवैलेंट, टेट्राड, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्सिस, होमोलागस पेयरिंग क्रोमोसोम, ये सब कहाँ पे होता है, तो हम बोलेंगे कहाँ पे होता है, जाइगोटिन में, कहाँ पे होता है, जाइगोटिन में होते हैं ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। क्या क्या जाइगोटिन में क्या क्या बना, जाइगोटिन में क्या क्या बना, सिनेप्सिस बना, ठीक है, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बना, बाईवैलेंट बना, टेट्राड बना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हुई कहाँ पे, जाइगोटिन में हुई, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाई द पेयर ऑफ द सिनेप्सिस होमोलागस क्रोमोसोम, जिसको क्या बाइवेलेंट और टेट्राड बोलते हैं, हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजुअल नेक्स्ट स्टेज, ये जो होगा ये बाइवेलेंट और टेट्राड जो होगा ये जाइगोटिन की नेक्स्ट स्टेज में अच्छे से विजुअल होगा, अच्छे से दिखेगा, है ना। द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट टू स्टेज होती हैं प्रोफेज फर्स्ट की, वो क्या होती हैं, रिलेटिवली शॉर्ट लिव होती हैं, यानी थोड़े समय के लिए होती हैं, क्या होती हैं, थोड़े समय के लिए होती हैं, कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ द नेक्स्ट स्टेज डेट इज पैकेटिन, है ना। तो यानी जो प्रोफेज फर्स्ट की जो दो स्टेज होती हैं वो क्या होती हैं, शॉर्ट लिव होती हैं, फर्स्ट टू स्टेज जो होती हैं वो शॉर्ट लिव होती हैं नेक्स्ट स्टेज जैसे पैकेटिन के अपेक्षा, ठीक है। फिर क्या हुआ, पैकेटिन आया, हमने पढ़ लिया लेप्टोटिन जाइगोटिन पढ़ लिया, अब क्या आया, पैकेटिन आया। अब पैकेटिन में क्या होता है, इस स्टेज में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवेलेंट जो बना था, जो बाइवेलेंट बना था कहाँ पे, जाइगोटिन में बना था, है ना, जाइगोटिन में बना था, अब यहाँ पे क्या हुआ, वो क्लियरली विजुअल हो जाएगा, है ना, क्लियरली अपीयर होगा,
ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवेलेंट जो बना, बाइवेलेंट यानी बना यानी टेट्राड बना, बाइवेलेंट और टेट्राड जो बना वो क्या हुआ, क्लियर अपीयर हो जाएगा एज टेट्राड, है ना, एज टेट्राड वो क्लियर अपीयर हो जाएगा कहाँ पे, पैकेटिन में, ये बात याद रखेंगे, बना कहाँ था, जाइगोटिन में, ठीक है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाई द अपेयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नूडल, और यहाँ पे क्या हो जाए, रिकॉम्बिनेशन नूडल बन जाएंगे, क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेशन नूडल हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन नूडल का मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन मतलब पुनः संयोग, क्या हो, पुनः संयोग, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है पुनः संयोग, मतलब दो चीज़ें फिर से आके रिकॉम्बाइन करेंगी, है ना, रिकॉम्बिनेशन नूडल का फॉर्मेशन होगा कहाँ पे, पैकेटिन में, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। क्या है, द साइड एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या होगा, नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना, किसके किसके बीच में होगा, नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना, कैसे क्रोमेटिड होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, एक ये क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम, अब इन दोनों के बीच कैसे हुए, इन दोनों के बीच जो कॉम्बिनेशन हुआ तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हुए, कैसे हुए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हुए, क्योंकि एक क्रोमोसोम के ये क्रोमेटिड नहीं, एक ये क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम, तो एक इसका क्रोमेटिड, एक इसका, इन दोनों के बीच जो कॉम्बिनेशन हुआ तो इसको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, समझ गए होंगे आप, होमोलॉगस बोला क्योंकि इसका जो लोकेशन है सेम है ना, यही बोला, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आगे क्या, क्रॉसिंग ओवर इज, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है कि इसमें जो होता है जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्या हो, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, इसीलिए इसको बोला क्रॉसिंग ओवर बोला, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज ए आल्सो, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर इज ए आल्सो एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, यानी इसमें क्या होगा, एंजाइम की जरूरत होगी, एंजाइम की क्या होगी, जरूरत होगी, एंजाइम की जरूरत होगी, क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, एंजाइम की जरूरत होगी, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड, और जिसमें एंजाइम की जरूरत होती है वो उस एंजाइम का नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लेगा कि क्रॉसिंग ओवर होती है कहाँ पे होती है, तो हम बोलेंगे पैकेटिन में होती है, कैसे कैसे किस टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, तो उसमें बोलेंगे नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम, कैसे नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम होते हैं नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम, इनके बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है ना, क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में होती है। अब इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी तो एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, यानी इसमें एंजाइम की जरूरत होगी, तो एंजाइम कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे एंजाइम जो होगा वो कौन सा एंजाइम होगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाई द एंड ऑफ पैकेटिन, जो पैकेटिन का एंड होगा तब जाके क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा, कब होगा, एंड ऑफ द पैकेटिन, स्टार्टिंग हुई थी पैकेटिन जब स्टार्ट हुआ तब हुई थी क्रॉसिंग ओवर, और कंप्लीट हो जाएगा एंड में, ठीक है। अब क्या होगा, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइड ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, और फिर क्या होगा, जहाँ से क्रॉसिंग ओवर हुआ वहाँ से क्या हुए, वो एक दूसरे को छोड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब हम आपको ये बताते हैं कि पैकेटिन में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुई, है ना। अब हम क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हुई, पैकेटिन में हुई, तो हम उसको कैसे याद रखेंगे, है ना। तो पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर हुआ, है ना। पैकेटिन में सी आ रहा है, सी का मतलब क्या हुआ, यहाँ हम देखेंगे क्रॉसिंग ओवर हुई कहाँ पे, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर हुई, ये हम याद कर लेंगे। क्रॉसिंग ओवर हुई तो कैसे रिकॉम्बिनेज एंजाइम लगेगा, है ना, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होता है, तो इसमें क्या होगा,
एंजाइम लगेगा, कौन सा रिकॉम्बिनेज एंजाइम लगेगा, ऐसे हम याद कर लेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसके बाद में हमको बताया गया है डिप्लोटीन, है ना, हमने पढ़ लिया लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, अब हम देख रहे हैं डिप्लोटीन के बारे में, क्या देख रहे हैं डिप्लोटीन के बारे में देख रहे हैं ना। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज, बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज बाई डिजोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स एंड टेंडेंसी टू रिकॉम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट ऑफ द सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो इसका मतलब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है, कि जो सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बना था, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बना था, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बना था हमारा जाइगोटीन में, कहाँ पे बना था, जाइगोटीन में सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बना था, ये कहाँ पे बना था, जाइगोटीन में, जाइगोटीन में सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बना था। अब उसका क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, यानी वो यहाँ पे घुलने लगेगा, यानी डिसॉल्व होने लगेगा, क्या होने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा, ठीक है, वो यहाँ पे डिसॉल्व होने लगेगा, यहाँ पे घुलने लगेगा, है ना, कहाँ पे घुलने लगेगा, किस स्टेज में, तो हम बोलेंगे डिप्लोटीन में, है ना, डिप्लोटीन से इसके नाम से ही पता चल रहा है, डिप्लोटीन में डी आया, तो डी का मतलब हुआ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स, है ना, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होने लगेगा एंड टेंडेंसी टू रिकॉम्बाइन होमोलॉगस क्रोमोसोम और बाइवेलेंट सेपरेट टू इच अदर, और क्या होगा, जो बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम थे रिकॉम्बाइन हो गए थे उनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, है ना, क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, और क्या होगा, जहाँ से सिर्फ वहाँ से सेपरेट नहीं करेंगे, जहाँ से क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहाँ से सेपरेट नहीं करेंगे, वहाँ पर सिर्फ जुड़े रहेंगे, वहाँ पर सिर्फ जुड़े रहेंगे और बाकी हर जगह से क्या करेगा, सेपरेट कर देगा होमोलॉगस क्रोमोसोम के बाइवेलेंट को, और क्या है, वो सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। अब जब वहाँ से क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहाँ पे जब जुड़ा रहेगा तो क्या हुआ, एक यक सेव स्ट्रक्चर बन जाएगी, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, यक सेव स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, चेसमेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, चेसमेटा, है ना, चेसमेटा कहाँ पे बनता है, तो हम बोलेंगे डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन में, है ना, चेसमेटा बनता है डिप्लोटीन में, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इन ऊसाइट्स ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर, कुछ हमारे ऊसाइट जो होते हैं, ऊसाइट सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन, इसमें क्या होता है, डिप्लोटीन लास्ट मंथ फॉर ईयर, है ना, मंथ और ईयर के लिए होता है, ऊसाइट्स इन सब वर्टिब्रेट्स के ऊसाइट्स में क्या होगा, डिप्लोटीन होगा लास्ट फॉर मंथ और ईयर के लिए होगा, ठीक है। अब हम याद रखेंगे कि डिप्लोटीन में क्या था, सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स का क्या हुआ, डिसोल्यूशन हुआ, डिप्लोटीन में क्या हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स हुआ, और क्या हुआ, जो बाइवेलेंट थे होमोलॉगस क्रोमोसोम के बाइवेलेंट थे वो सेपरेट होने लगे, कहाँ पे सिर्फ सेपरेट नहीं होंगे, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर था वहाँ से सेपरेट नहीं होंगे, तो एक यक सेप स्ट्रक्चर बन जाएगा, यक सेप स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या बोला, यक सेप स्ट्रक्चर को हम लोगों ने चेसमेटा बोला, ठीक है, चेसमेटा बोला, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या है, द फाइनल स्टेज, अब लास्ट स्टेज और फाइनल स्टेज क्या है, प्रोफेज फर्स्ट की क्या है वो, द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट इज डाइकाइनेसिस, है ना, फाइनल स्टेज और लास्ट स्टेज क्या है, मियोसिस फर्स्ट की क्या है वो, डाइकाइनेसिस है, है ना, दिस इज मार्क बाई टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेसमेटा, है ना, इसमें जो चेसमेटा बना कहाँ पे था, डिप्लोटीन पे बना था, कहाँ पे बना था, डिप्लोटीन पे, डिप्लोटीन में क्या चेसमेटा बना था, बट उसका क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, वो टर्मिनेट होने लगेगा, धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, टर्मिनेट होने लगेगा कहाँ पे, डाइकाइनेसिस में, है ना, डाइकाइनेसिस पे, ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस एंड मियोटिक स्पिंडल आर एसेंबल टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। इसमें क्या हुआ, इस फेज में यानी डाइकाइनेसिस में जो क्रोमोसोम होते हैं फुली कंडेंस हो जाते हैं, अच्छे तरह से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, सघन हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, मियोटिक स्पिंडल जो होंगे एसेंबल हो जाएंगे प्रिपेयर टू होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, और जो इसमें क्या होंगे, मियोटिक स्पिंडल हो जाएंगे वो होमोलॉगस क्रोमोसोम को सेपरेशन करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने लगेंगे, ठीक है। और क्या है, बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, जब डाइकाइनेसिस खत्म होगी, क्या होगी, डाइकाइनेसिस खत्म होगी, बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द
न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर एंड न्यूक्लियर एनवेलप आर आल्सो ब्रेक डाउन। है तो इसमें क्या बताया गया, जब क्या होगा बाय द एंड ऑफ डायकेनेसिस होगी तो क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, आरआरएनए यानी राइबोसोम की क्या करता है, सिंथेसिस करता है, ठीक है, राइबोसोम की सिंथेसिस करता है, वो डिसअपीयर हो जाएगा। और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो भी क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी, है ना, न्यूक्लियर एनवेलप भी टूट जाएगी। अब डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंटेड ट्रांजिशन टू मेटाफेस, डाइकाइनेसिस के बाद क्या हो जाएगा, मेटाफेस आएगी, डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंटेड ट्रांजिशन टू मेटाफेस, ट्रांजिशन टू मेटाफेस दिया गया हमको। मेटाफेस फर्स्ट के बारे में बताया गया है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम मेटाफेज में क्या था, सारे के सारे जो क्रोमोसोम कहाँ पे इक्वेटर पे अलाइन हो रहे थे, हमने पहले देख लिया था माइटोसिस में अपने, है ना, बस इसमें भी देख लेते हैं, वही हमको बताया गया है। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम क्या हुआ, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटर प्लेट, कहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो गए, अलाइन का मतलब आना, ठीक है, यानी कहाँ पे आ गए, सारे के सारे इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए, है ना। और द माइक्रोट्यूबुल फ्रॉम द अपोजिट पोल, तो माइक्रोट्यूबुल थे फ्रॉम अपोजिट पोल, दूसरे दूसरे पोल के जो माइक्रोट्यूबुल स्पिंडल फाइबर के थे वो क्या हुए, अटैच हो गए होमोलॉगस क्रोमोसोम से, है ना, वो क्या हुए, माइक्रोट्यूबुल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द अटैच होमोलॉगस क्रोमोसोम, स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल के स्पिंडल फाइबर जो अपोजिट पोल में थे होमोलॉगस क्रोमोसोम से वो आके अटैच हो गए। इसमें फर्स्ट में क्या था, सेपरेशन हो रहा था, है ना, एनाफेज जो हमने माइटोसिस का देखा था उसमें भी क्या था, सेपरेशन हो रहा था, यहाँ पे भी वही होगा, दिखाते हैं आपको। एनाफेज द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, इसमें क्या होगा, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट होना चालू हो जाएंगे, है ना। वाइल सिस्टर क्रोमेटिड, जो कि सिस्टर क्रोमेटिड होंगे वो रिमेन एसोसिएटेड देयर सेंट्रोमियर्स, और वो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे वो अपने सेंट्रोमियर से एसोसिएट रहेंगे, अपने उससे जुड़े रहेंगे, है ना, उससे जुड़े रहेंगे, जबकि क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। ये बात याद रखेंगे कि एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जबकि क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड होंगे वो रिमेन एसोसिएट रहते हैं अपने सेंट्रोमियर से। कभी कभी क्वेश्चन हमसे ये भी पूछता है कि मेंडेलियन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन, यहाँ पे मेंडेलियन फैक्टर का जो होता है, मेंडेलियन फैक्टर का जो सेग्रीगेशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो हम बोलेंगे एनाफेज फर्स्ट में होता है। मेंडेलियन फैक्टर के जो कैरेक्टर का सेग्रीगेशन होगा कहाँ पे होगा, एनाफेज फर्स्ट में होगा, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब हमसे क्या है, लास्ट में क्या है, टेलोफेज फर्स्ट, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर, है ना, टेलोफेज फर्स्ट में क्या हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्या, न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो गया, यानी फिर से बन गए, है ना, क्या हुए, फिर से बन गए। और क्या है, ये क्या है, साइटोकाइनेसिस फॉलो एंड दिस इज कॉल्ड एज डाइड, है ना, इसमें क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो गए, साइटोकाइनेसिस फॉलो एंड दिस कॉल्ड डेड ऑफ सेल, तो क्या बोला, डेड ऑफ सेल बोला, ठीक है। क्या है, ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्सन, दे डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस, द स्टेज बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन टू मियोटिक डिवीजन कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इज जनरली शॉर्ट लिव, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल्दो इन मेनी केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंडरगो सम डिस्पर्सन, है ना, अंडरगो सम डिस्पर्सन, वो अंडर कुछ डिस्पर्सन पे होते हैं, वो रीच नहीं हो पाते हैं एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड द इंटरफेस ऑफ न्यूक्लियस, वो इंटरफेस ऑफ न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन, दो मियोटिक डिवीजन की स्टेज को क्या बोलते हैं, दो मियोटिक डिवीजन की स्टेज को क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरकाइनेसिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरकाइनेसिस बोलेंगे,
ये बात याद रखेंगे है ना। इंटरकाइनेसिस किसको बोलते हैं? टू माइटोटिक डिवीजन स्टेट बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन के बीच को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। अब इंटरफेस क्या था? इंटरकाइनेसिस तो ये हो गया, इंटरफेस क्या था आप बताएं मुझे? इंटरफेस क्या था? इंटरफेस वो था जब दो यम फेस के बीच की, दो सक्सेसिव यम फेस के बीच की क्या बोल लेते हम लोग? इंटरफेस बोल लेते हैं। ये बात याद रखेंगे, इंटरकाइनेसिस और इंटरफेस में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। इंटरकाइनेसिस क्या होता है? स्टेट बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन के बीच के स्टेज को क्या बोल रहे हैं? इंटरकाइनेसिस बोल रहे हैं। ये जनरली क्या होता है? शॉर्ट लिव होता है, ये बात याद रखेंगे, शॉर्ट लिव होता है, ठीक है। क्या है? इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाई, है ना, इंटरकाइनेसिस इज फॉलो बाई प्रोफेज सेकेंड, है ना, इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाई प्रोफेज सेकेंड ए मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज फर्स्ट, है ना। इंटरकाइनेसिस फॉलो जो होती है प्रोफेज सेकेंड की, एक मच सिंपलर प्रोफेज होती है देन प्रोफेज फर्स्ट की, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। ये फिगर कौन कौन से दिखाए गए हैं आपको? प्रोफेज दिखाया गया है, प्रोफेज फर्स्ट दिखाया गया है, फिर क्या मेटाफेज फर्स्ट दिखाया गया है, फिर एनाफेज फर्स्ट दिखाया गया है, फिर टेलोफेज फर्स्ट दिखाया गया है। अब इसमें क्या हुआ? प्रोफेज फर्स्ट में प्रोमेटरी मटेरियल था, ऐसे पड़ा हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? ये कॉम्पैक्ट होना चालू हुए और फिर धीरे धीरे इक्वेटर पे अलाइन हो गए, इक्वेटर पे आ गए, है ना। अब इक्वेटर पे आ गए तब क्या हुआ? यहाँ पे जो कैनेटोकोर था, स्पिंडल फाइबर अटैच हुए और इसमें एक रिस्पेक्टिव पोल से एक इधर को खींचा, एक इधर को खींचा, दोनों आगे चल के एनाफेज में ये सेपरेट हो गए, है ना, दोनों अलग अलग स्प्लिट हो गए, सेपरेट हो गए। अब ये सेपरेट हो गए तो टेलोफेज में क्या है? ये वाला एक अलग बना देगा, ये किससे? एक अलग, यानी कितने भी हमको कितनी? दो सेल मिली, है ना, दो हैप्लॉइड सेल मिली। तो मियोसिस सेकंड तक में क्या हमको मिलेंगी? मियोसिस सेकंड तक में हमको कितनी मिलेंगी? चार हैप्लॉइड सेल। मियोसिस सेकंड तक में, यानी मियोसिस सेकंड तक में कितने हमको? चार हैप्लॉइड सेल मिलेंगी, ठीक है। अब क्या हुआ, हम लोग क्या देखेंगे? मियोसिस सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। हमने मियोसिस फर्स्ट पढ़ ली, उसके सारी स्टेज पढ़ लिए, है ना, प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, है ना, मेटाफेज, सारी की सारी चीज़ें पढ़ ली, है ना। अब हम क्या देखेंगे? मियोसिस सेकंड की प्रोफेज सेकंड देखेंगे, ठीक है, मियोसिस सेकंड की प्रोफेज सेकंड देखेंगे। क्या है? मियोसिस सेकंड इनिशिएटेड इमीडिएट आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जो मियोसिस सेकंड होती है वो कहाँ? साइटोकाइनेसिस के क्या होता है? मियोसिस सेकंड इनिशिएट इमीडिएट आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोकाइनेसिस हुई उसके बाद तुरंत वो मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो गई, है ना। इनिशिएट होना मतलब चालू होना या स्टार्ट होना, आफ्टर द साइटोकाइनेसिस, है ना। यूजली का मतलब होता है ज़्यादातर, बिफोर द क्रोमोसोम हैज फुली इलोंगेटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि मियोसिस सेकंड थी वो साइटोकाइनेसिस के जस्ट इमीडिएट स्टार्ट हो गई बाद में। यूजली बिफोर द क्रोमोसोम फुली इलोंगेटेड, कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो पूरी तरह से इलोंगेटेड हो पाए उसके पहले साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गई, ठीक है। इन कॉन्टेस्ट टू मियोसिस फर्स्ट, है ना, इन कॉन्टेस्ट मतलब अपेक्षा या कि तुलना में, है ना। इन कॉन्टेस्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड रिजेंबल टू नॉर्मल माइटोसिस, यानी मियोसिस फर्स्ट की तुलना में मियोसिस सेकंड जो होती है वो कैसी? नॉर्मल क्या होती है? माइटोसिस, यानी नॉर्मल माइटोसिस में जो जो इवेंट हो रहे थे उसी तरह के इवेंट इसमें भी होंगे मियोसिस सेकंड में, ठीक है। उसकी रिजेंबल करती है, रिजेंबल का मतलब होता है उसकी तरह, क्या? उसकी तरह, है ना, उसकी तरह होती है नॉर्मल माइटोसिस की तरीके मियोसिस सेकंड। आगे क्या है? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड। अब क्या हुआ? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी डिसअपीयर हुई बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड में, है ना। इसमें क्या हुआ? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? वो डिसअपीयर हो जाएगी। ये बात को याद रखेंगे कि जो प्रोफेज सेकंड के एंड में क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही थी, ठीक है। यही था प्रोफेज, जो प्रोफेज था माइटोसिस का, उसमें भी क्या था?
प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही थी, वही यहाँ पे भी है ना। द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, और क्रोमोसोम क्या होते हैं फिर से क्या हो जाते हैं, अगेन बिकम कॉम्पैक्ट और फिर से वो सघन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं सघन हो जाते हैं, ठीक है फिर से वो सघन हो जाते हैं। अब आगे क्या है मेटाफेज सेकंड, अब मेटाफेज सेकंड के बारे में हम लोग देखते हैं मेटाफेज सेकंड क्या होता है, ठीक है। एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर एंड माइक्रोट्यूबल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट्स अटैच टू द गैनेटोकोर्स ऑफ द सिस्टम क्रोमेटिड। तो इसका मतलब वही है कि माइटोसिस में भी हम देख रहे थे जो क्रोमोसोम थे मेटाफेज में क्या है इक्वेटर पे आके अलाइन हो रहे थे, इक्वेटर पे आ रहे थे, ठीक है। एट द स्टेज ऑफ द क्रोमोसोम अलाइन द इक्वेटर, यहाँ पे क्रोमोसोम क्या आएंगे मेटाफेज में इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे, और क्या होगा उनमें जो माइक्रोट्यूबल होंगे क्या होंगे माइक्रोट्यूबल फ्रॉम अपोजिट पोल के जो माइक्रोट्यूबल होंगे वो अपोजिट पोल के जो माइक्रोट्यूबल्स के जो स्पिंडल फाइबर होंगे वो अटैच हो जाएंगे किससे कैनेटोकोर्स ऑफ सिस्टोक्रोमेटिड के, सिस्टोक्रोमेटिड से कैनेटोकोर्स से वो अटैच हो जाएंगे, ठीक है, और एक दूसरे को दोनों पोल में अपोजिट पोल से अटैच कर लेंगे, और फिर क्या हुआ एनाफेज में आगे चल के सेपरेट हो जाएंगे यानी स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है वही है। एनाफेज सेकंड में क्या हुआ इन बिगिंग एनाफेज सेकंड इट बिगिन, जैसे एनाफेज सेकंड स्टार्ट हुआ विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम, है ना। जैसे भी एनाफेज सेकंड हुआ तो इसमें क्या होगा स्प्लिटिंग होने लगेगी सेंट्रोमियर्स की, सेंट्रोमियर स्प्लिट होने लगेंगे ऑफ ईच क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर स्प्लिट होने लगेंगे विद वाज होल्डिंग द सिस्टोक्रोमेटिड टुगेदर, जो कि सिस्टोक्रोमेटिड को टुगेदर होल्ड किए रखे हैं वो स्प्लिट होने लगेंगे, है ना। और क्या है अलाउइंग देम टू मूव, और उनको मूव अलाउ करेंगे मूव करने के लिए टू वर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल, है ना, अपोजिट पोल ऑफ द सेल में जाने के लिए वो अलाउ करेंगे, ठीक है, अपोजिट पोल में जाने के लिए वो अलाउ करेंगे। ये हमको फिगर दिखाया गया है, फिगर मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले देख लेते हैं टेस्ट में क्या है। अब क्या है टीलोफेज सेकंड, है ना, टीलोफेज सेकंड में क्या हुआ ये लास्ट स्टेज होगा, क्या होगा मियोसिस इन विद टीलोफेज सेकंड, है ना, जो मियोसिस होगी वो ख़त्म हो जाएगी यानी टीलोफेज सेकंड से मियोसिस ख़त्म हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है ये याद रखेंगे कि मियोसिस इंड कहाँ से होती है तो टीलोफेज सेकंड से इंड होती है, ये बात याद रखेंगे, है ना। इन विच द टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम इसमें अगेन गेट्स इनक्लोज बाय ए न्यूक्लियर एनवेलप, इसमें भी क्या होगा यहाँ से मियोसिस जो होगी इंड हो जाएगी टीलोफेज सेकंड से, इसमें क्या है टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो अगेन फिर से क्या होंगे इनक्लोज हो जाएंगे ए न्यूक्लियर एनवेलप से इनक्लोज हो जाएंगे, ठीक है। साइटोकाइनेसिस फॉलो, इसमें क्या होगा साइटोकाइनेसिस फॉलो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द टेट्राड ऑफ सेल, है ना, इसमें क्या होगा साइटोकाइनेसिस फॉलो होगी वो क्या बनाएगी रिजल्ट ऑफ टेट्राड ऑफ सेल, सेल का टेट्राड बनाएगी, और इसमें क्या बनेंगे फोर एप्लाइड डॉटर सेल हमको मिलेंगे, ये बात याद रखेंगे कि मियोसिस सेकंड में क्या होता है हमको कितनी फोर एप्लाइड डॉटर सेल मिलती हैं, ठीक है। ये हमको स्टेज ऑफ मियोसिस सेकंड के फिगर दिखाए गए हैं ना, स्टेज ऑफ मियोसिस सेकंड के फिगर दिखाए गए। अब इसमें क्या हुआ ये एक सेल एक ये हुई एक सेल ये हुई, ठीक है। अब ये सेल ये मेटाफेज में क्या हुआ मेटाफेज इक्वेटर पे आके अरेंज हो गए, और फिर क्या हो गया एनाफेज में क्या होंगे स्प्लिट होंगे, एनाफेज सेकंड में क्या होंगे ये स्प्लिट होंगे, एनाफेज में स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। अब एक सेल इससे बनी एक एप्लॉयड सेल इससे बनी डॉटर सेल एक एप्लॉयड सेल इससे बनी, तो यानी दो से यानी एक से क्या बनी दो बनी, एक से क्या बनी दो बनी, और इसमें इधर भी दो बनी, तो टोटल कितनी हो गई चार। टीलोफेज सेकंड में हमको कितने एप्लॉयड सेल मिलेंगे कितने एप्लॉयड डॉटर सेल मिलेंगी हमको चार एप्लॉयड डॉटर सेल मिलेंगे आफ्टर टीलोफेज सेकंड, ठीक है, यानी याद रखेंगे हम लोग। इसमें क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, हमने माइटोसिस का सिग्निफिकेंस देखा था, अब हम किसका सिग्निफिकेंस देखेंगे मियोसिस का सिग्निफिकेंस देखेंगे, ठीक है। महत्व, इसका क्या मतलब हुआ महत्व, यानी मियोसिस का क्या महत्व है उसके बारे में हम देखेंगे। अब क्या है मियोसिस क्या होता है मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होता है हमको पता है, अर्धसूत्री विभाजन उसको बोलते हैं ये भी हमको पता है। अब इसमें क्या बताया गया वो देखते हैं। मियोसिस इज द मैकेनिज्म, मियोसिस वो मैकेनिज्म है बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव अक्रॉस जनरेशन इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इवन थ्रू द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सी रिजल्ट
इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको सिंपल वर्ड में बताते हैं। जो मियोसिस होती है वो मैकेनिज्म होती है विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, यानी जो क्रोमोसोम नंबर को स्पेसिफिक यानी कंजर्व करती है, क्या करती है, क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करके रखती है, ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो मियोसिस होती है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को, यानी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म में उनके जो क्रोमोसोम नंबर को हो क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करके रखती है, ठीक है, और उसकी स्पीसीज बनाए, मतलब उसकी स्पीसीज जो होगी आगे जा सके बढ़ सके, स्पीसीज क्रोमोसोम नंबर को उसको जनरेशन टू जनरेशन कंजर्व रखेगी, है ना, जनरेशन टू जनरेशन कंजर्व रखेगी, हर जनरेशन में उसका क्रोमोसोम नंबर होगा कंजर्व होगा ताकि वो अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ा सके, ठीक है। इवन थॉट यू प्रोसेस पर पैराडॉक्सली जल्द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ, उसमें क्या होता है, मियोसिस का मतलब ही होता है एक रिडक्शन डिवीजन, है ना, क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, यानी डुप्लाइड बॉडी है तो उससे क्या हो जाएगा, यन बन जाएगा, है ना, यानी यन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इट इज ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसमें क्या हुआ, ये जो होता है मियोसिस होता है ये क्या करती है, इंक्रीज करती है जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना, जो मियोसिस होता है ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज करती है, यानी पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में जनरेशन टू जनरेशन ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करती है। इसमें क्या है, वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, है ना, अब इसमें क्या है, ये वेरिएशन कॉज करती है, मियोसिस से क्या होंगे वेरिएशन होंगे, उसकी जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर होगा उसको क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, है ना, और क्या करेगी, उसके क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करेगी जनरेशन टू जनरेशन के लिए, और जो ये क्या होता है, ये इसमें क्या करती है, मियोसिस क्या करती है, इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पर जनरेशन ये इंक्रीज करती है, उसको बनाए रखती है, ठीक है, और क्या होता है, वेरिएशन जो होते हैं, वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है एवोल्यूशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, जो वेरिएशन होता है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है फॉर एवोल्यूशन के लिए, कि एवोल्यूशन होने के लिए वेरिएशन होना जरूरी है, वेरिएशन का मतलब विभिन्नताएं होना जरूरी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू लाइक माय सेशन, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर माय वीडियो विद फ्रेंड, एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय सोशल मीडिया हैंडल, सो प्लीज विजिट अबाउट सेक्शन ऑफ माय चैनल एंड क्लिक द सोशल मीडिया आइकन एंड जॉइन विद अस। सो आई होप यू लाइक माय सेशन, सो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव अ नाइस डे।